हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भावन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। अभी रिसेंटली रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने ये एडमिट करा कि वो 1.2 बिलियन डॉलर्स के डेट में है, दैट इज 1000 और उसके आगे 6 जीरोस। वहीं उनकी नेटवर्थ अराउंड 100 मिलियन डॉलर्स ही है। तो क्या इसका मतलब वो बैंकरप्ट हो गए? जो इंसान हमें सालों से पर्सनल फाइनेंस सिखा रहा है वो खुद कर्जे में डूबा हुआ है, ये कैसे? अब यहाँ तो इसके पीछे कोई बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कोई सीक्रेट है जो हमें नहीं पता, या फिर हम सबके रिच डैड अब खुद भी पुअर हो चुके हैं? जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आपको कंपाउंडिंग पता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है और उस इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट बनता है उस पे फिर इंटरेस्ट लगता है। ऐसा करते करते इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है और आपका पैसा मल्टीप्लाई होकर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और 16 का 32 हो जाता है। हम सब ने अब तक मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो बहुत सुना है, अब आज मैं आपको कंपाउंडिंग की ट्रेजेडी बताता हूँ। सच तो ये है कि इंटरेस्ट चाहे आपको मिल रहा हो या देना पड़ रहा हो, कंपाउंडिंग दोनों चीजों में लगती है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करो या लोन लो, इंटरेस्ट दोनों केस में एप्लीकेबल होगा, इसके साथ ही कंपाउंडिंग भी। मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो लोग हैं, साहिल और वरुण। इन दोनों का सपना है बैंगलोर में एक अपना घर लेने का। साहिल के पास पेशेंस नहीं है, उसे अभी के अभी अपना घर चाहिए। उसके पास 6 लाख रुपीस सेव्ड है। वो बैंक से 24 लाख का लोन लेता है और 30 लाख का एक नॉर्मल सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद लेता है। उसने जो लोन लिया उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा 8% और अगले 20 सालों तक साहिल हर महीने 20,075 रुपीस भरता रहा। वहीं वरुण ने घर नहीं लिया, उसने डिसाइड करा कि वो अभी घर नहीं लेगा, वो हर महीने बस 15,000 रुपीज की SIP करेगा। वो अगले 20 सालों तक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। जिस टाइम साहिल अपने 30 लाख रुपीज के 2 बेडरूम हॉल किचन की आखिरी EMI पे करता है, उस टाइम वरुण एक हाई सोसाइटी में 1.72 करोड़ रुपीज का एक बड़ा 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट खरीदता है। वेट, ये सब कैसे हुआ? यहाँ कंपाउंडिंग के मैजिक और ट्रेजेडी दोनों ने अपना काम करा। साहिल के केस में उसने बैंक से लोन लिया 24 लाख, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, अपनी 20,075 की EMI के साथ। अगले 20 सालों में उसने बैंक को वापस करे 48,17,895, जिसमें से 24 लाख रुपीज प्रिंसिपल और उससे भी ज्यादा 24,17,895 का इंटरेस्ट, और उसके सेव करे हुए 6 लाख भी मिला लो तो उसने एक सिंपल 2 बेडरूम हॉल किचन खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 54 लाख रुपीज खर्च कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट कंपाउंड होता गया और वो इस रिवर्स कंपाउंडिंग के डेट ट्रैप में फंस गया। वहीं वरुण ने हर महीने 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करके मार्केट से बेयर मिनिमम 13% के रिटर्न कमाए। उसने 20 सालों में टोटल पैसे इन्वेस्ट करे 36 लाख रुपीज, जिसपे उसे रिटर्न मिले 1 करोड़ 36 लाख रुपीज, तो हुआ टोटल ऑफ 1 करोड़ 72 लाख रुपीज। वहीं अगर वरुण को मार्केट से 15% के रिटर्न मिल जाते तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 करोड़ 27 लाख रुपीज की हो चुकी होती और वो 60 लाख रुपीज का एक 1 बेडरूम हॉल किचन और भी खरीद लेता। ये हुआ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जिससे वरुण ने अपने सपनों का घर खरीद लिया। नाउ इस प्रॉपर्टी बाय करने के इस पूरे प्रोसेस में रॉबर्ट कियोसाकी को एक लूप होल दिखा, जिसे उन्होंने अपने घर जैसी लायबिलिटीज को एसेट में बदलना शुरू कर दिया। अब इसे समझने के लिए ये छोटा सा एग्जांपल समझो और मान लो कि आपके पास 20 लाख रुपीज है और आप सोच रहे हो कि दिल्ली NCR में एक प्रॉपर्टी लेके डाल दो, और आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आप
आपको कम से कम 10% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो 20 लाख रुपीज लगा के आप एक साल में 2 लाख रुपए तो कमा ही लोगे, बट आपका रॉबर्ट कियोसाकी वाला जीनियस दिमाग काम करता है और आप सोचते हो कि मुझे इस पे 10% रिटर्न तो मिलना ही है, तो 20 लाख क्यों 1 करोड़ क्यों ना इन्वेस्ट कर दिया जाए। बाकी के पैसों के लिए आप जाते हो बैंक के पास और वहां से लेते हो 80 लाख रुपए का लोन 1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। अब आप 20 लाख की नहीं बल्कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो। नाउ 10% के रिटर्न्स के साथ एक साल बाद आपको इस प्रॉपर्टी पे रिटर्न मिलता है 10 लाख रुपीज। वहीं अगर आप 20 लाख रुपीज लगाते तो आप 2 लाख रुपीज ही कमाते, बट बैंक के लोन लेने के बाद 1 करोड़ लगा के आप कमा रहे हो 10 लाख रुपीज। बट वेट, आपने बैंक से 80 लाख रुपीज का जो लोन लिया था उस पे 8% का इंटरेस्ट भी तो देना है, जो एक साल में बनेगा लगभग 6,50,000 रुपीज। अब 10 लाख रुपीज में से 6,50,000 रुपीज बैंक को देने के बाद भी आपको बच जाएंगे 3,60,000 रुपीज, जो 20 लाख के इन्वेस्टमेंट रिटर्न से 80% ज्यादा का है। रॉबर्ट कियोसाकी यही कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदी थी जिसका प्राइस था $18,000 ओनली, जिसे उन्होंने पूरा का पूरा लोन पे लिया था। पर इस प्रॉपर्टी को उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया था। ये हवाई के बीच के पास एक 1 बेडरूम का छोटा सा अपार्टमेंट था जिसे उन्होंने रिनोवेट करके फौरन रेंट पे डाल दिया, जिससे उन्हें इतना रेंट आ जाता था कि उससे उनके क्रेडिट कार्ड की मंथली पेमेंट भी निकल जाती थी और उनके $25 भी सेव हो जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, रॉबर्ट कियोसाकी जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उन्हें और भी कई बेनिफिट्स होती है। सबसे पहले तो वो टैक्स से बच जाते हैं क्योंकि डेट हमेशा टैक्स फ्री जो होता है। दूसरा, वो लोन का इंटरेस्ट माइनस करके रेंटल इनकम से कमाते हैं। तीसरा, क्योंकि उनकी ओन करी हुई ज्यादातर प्रॉपर्टीज कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसकी रेंटल इनकम भी अप्रिशिएट हो जाती है, जिससे टाइम टू टाइम उसकी रेंटल इनकम बढ़ती जाती है। पर बैंक का इंटरेस्ट रेट वो सेम का सेम ही रहता है। चौथा, टाइम के साथ उनकी ओन करी हुई प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ते हैं, वो उससे भी कमाते हैं। उनकी $18,000 की सबसे पहली प्र�$18,000 की वैल्यू आज $500,000 है। आज रॉबर्ट कियोसाकी 7,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज ओन करते हैं और पैसिव इनकम कमाते हैं, और सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने डेट पे ही ले रखी है, जिसका टोटल डेट मिला दिया जाए तो वो सारा डेट मिला के बनता है $1.2 billion। बट डेट तो डेट है, आज नहीं तो कल वापस तो देना ही पड़ेगा। वेल नहीं, रॉबर्ट ने 1.2 बिलियन का डेट एडमिट करने के बाद ये स्टेटमेंट भी दी, इफ आई गो बर्स्ट द बैंक गोज बर्स्ट नॉट माय प्रॉब्लम। यानी अगर वो कभी ये डेट दे नहीं पाए तो ये उनकी नहीं बल्कि बैंक की प्रॉब्लम होगी। इसी एक स्टेटमेंट में उनके सारे डेट का सीक्रेट छुपा है। दरअसल बात ये है कि 2 तरह के डेट होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ मैं गुड डेट और बैड डेट की बात नहीं कर रहा, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स डेट। एक होता है रिकोर्स डेट, जहाँ आप जब भी बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो आपसे कोलैटरल मांगते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 10 लाख रुपीस का लोन लेने गए तो बैंक आपसे 10 लाख से ज्यादा के कोलैटरल की डिमांड करेगा। बैंक कहेगा ठीक है, अपनी 15 लाख की जमीन कोलैटरल रख दो और 10 लाख का लोन लेके जाओ। इससे बैंक अपनी सेफ्टी देखता है कि कहीं कल हम बैंक को लोन पे बैक नहीं कर पाए तो बैंक हमारे कोलैटरल को सेल करके अपना पैसा निकाल लेगा। और इन केस अगर बैंक जमीन बेच कर भी लोन का अमाउंट रिकवर नहीं कर पाया तो बैंक बोरोवर के बाकी और एसेट्स पर क्लेम कर सकता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। वहीं दूसरा होता है नॉन रिकोर्स डेट, जो रॉबर्ट कियोसाकी लेते हैं, और ये एक ऐसा डेट है जो सबको मिल भी नहीं सकता। यहाँ होता यह है कि आप एक
कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो और उसी प्रॉपर्टी को कोलैटरल बना के बैंक से लोन ले लेते हो और लोन ना चुकाने पर बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी को सेल करके पैसे रिकवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और उन्हें बाकी अमाउंट का लॉस उनके सर पर लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जिसका प्राइस है $300 मिलियन। तो वो बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप लोन दे दो। बैंक पूछता है कि कितना। रॉबर्ट कहते हैं मेरे पास 50 मिलियन है, मुझे 250 मिलियन और चाहिए। बैंक कहता है अच्छा ओके, कोलैटरल में क्या है। रॉबर्ट कहते हैं ये 300 मिलियन की प्रॉपर्टी को ही आप कोलैटरल में रख लो। अब बैंक जाके उस प्रॉपर्टी को देखता है, उन्हें समझ आता है कि रॉबर्ट तो रियल एस्टेट में जीनियस है, उन्होंने क्या प्रॉपर्टी पिक करी है, इसका प्राइस तो आगे जाके 600 या 700 मिलियन पहुंच सकता है। ये सब सोच के बैंक उन्हें लोन दे देता है और रॉबर्ट ने एक नहीं दो नहीं हजारों प्रॉपर्टीज ऐसे ही खरीदी है जिस वजह से 1.2 बिलियन का डेट है। बट फिर भी टेंशन फ्री है क्योंकि अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो भी हुआ, सब कुछ डूब गया, उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट आना बंद हो गया या 2008 जैसा हाउसिंग बबल बस्ट हुआ, तो उन्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा होगा भी क्या, बैंक उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज सीज कर लेगी। रॉबर्ट ने तो इन प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम में इतना कमा लिया है, कई प्रॉपर्टीज के तो लोन भी फुल पे कर चुके हैं ये। इसीलिए अगर वो डूबते भी है तो बैंक उनके साथ ही डूब जाएंगी, जो कि बैंक कभी होने नहीं देगी। सो दोस्तों, बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी बैंक्स का पैसा यूज करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे रेंट पे चढ़ा देते हैं, टैक्स बेनिफिट्स और रेंटल इनकम का फायदा उठाते हैं और सेफ्टी के लिए बैंक को ही यूज करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ रॉबर्ट की ही कहानी नहीं है, दुनिया का हर अमीर आदमी लोन लेके ही अमीर होता जा रहा है। अदानी, अंबानी, टाटा और अब रॉबर्ट, कोई अमीर ऐसा नहीं है जिस पे कोई लोन ना हो और फिर भी ये लोग टॉप रिचेस्ट लोगों में ही रहते हैं क्योंकि ये पैसों को सही से यूज करना जानते हैं। लेकिन लोन को अगर सही से यूज नहीं किया तो इंसान बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, रॉबर्ट जो भी करता होगा वो अमेरिका में, लेकिन हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ प्रॉपर्टी पर मिलने वाला रेंट ईएमआई की अमाउंट का 1/3 होता है और ज्यादातर शहरों में रियल एस्टेट का अप्रिसिएशन भी कुछ खास नहीं है। सो आपको सोच समझ कर ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन पर्सनली मैंने कई सारे ऐसे क्लाइंट्स को दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में कंसल्ट करा है जो इस स्ट्रेटेजी को एक्चुअली में फॉलो करके अच्छा खासा रेंट कमा रहे हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में ईएमआई का अमाउंट रेंट के अमाउंट से कम का होता है। अब अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, घर खरीदना, कार खरीदनी वगैरह वगैरह, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। आप हमारे वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर लिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अपना कीमती समय इस वीडियो पर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।